महिला सशक्तिकरण का मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है। समाज की बात करें, सोशल की बात करें, फिल्मों की बात करें, टीवी की बात करें या राजनीति की बात करें, हमारे बीच एक ऐसी ही महिला शक्ति है, डीपली लाइफ फेम शालिनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देंगे, आपकी नई मूवी आ रही है, दर्शकों के बीच है, किस तरह से देखते हैं जो आपकी दूसरी मूवी आ रही है गुड़गांव, क्या मूवी में कुछ नया लेके आ रहे हैं? गुड़गांव जो फिल्म है वो कैरी सिंह और उनके परिवार की कहानी है। और कैरी सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो किसान होता है और अब रियल एस्टेट बिजनेसमैन बन चुका है, और उनकी ये पूरी यात्रा जो कैरी सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी और उनकी पत्नी का रोल प्ले कर रहे हैं हम कर्मा देवी, उनके 3 बच्चे हैं, उनका एक बेटा है निकी सिंह जो अक्षय ओबेरॉय प्ले कर रहे हैं, दूसरे जो चिंटू व आशीष वर्मा और प्रीत रागिनी खन्ना, तो ये जब और प्रीत बाहर जाती है पढ़ने विदेश पेरिस, और जब वहाँ से लौट कर आती है तो फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली जाती हैं कि फिर इस परिवार पर इसका क्या असर पड़ता है इन घटनाओं का, और वो किस तरीके से इन घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, और इस कहानी के ज़रिए कुछ बहुत मूल बातें उठाई जा रही आती हैं कहानी में निकल कर, जो किसी भी अच्छी कहानी में आनी चाहिए, कि हम किन फाउंडेशन पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे एम्बिशंस क्या होते हैं, जेंडर इक्वालिटी किस तरीके से हमारे समाज परिवार में प्ले आउट करती है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ, और बहुत एक इंटरेस्टिंग नोआर थ्रिलर कहानी के ज़रिए। सल्ली जी, जिस तरह से मूवी में पूरी मूवी में केंद्रित कर रखा है, दिखाया गया है कि एक लड़की को, केरी सिंह जो किरदार है, केरी सिंह लड़की को अपनी को लकी चाम मानता है, वहीं पे वो जो लड़का होता है उसको दरकिनार करता है, लेकिन हालांकि देखा ये जाता है लड़कियों को और लड़कों में जो भेदभाव होता है उसका विपरीत उल्टा है जी। यही इस कहानी की खासियत है, और ये कैसे प्ले आउट होता है तो उसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है गुड़गांव की, तो हमें देखनी चाहिए। धनिया का जो रोल था आपका पीपली लाइफ धनिया, और इस वाले जिस रोल में आप हैं यहाँ पे, कितना डिफरेंट, और क्या आपने जो तैयारियाँ थी धनिया से लेके और यहाँ तक किस तरह से आप? धनिया और कर्मा देवी मेरी समझ से काफ़ी अलग महिलाएं हैं, एक तो उम्र के हिसाब से भी, जहाँ पे कहानी है गुड़गांव की खड़ी, तो उम्र और अनुभव का जो संबंध होता है तो उससे काफ़ी बदलाव आता है किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी किरदार पे। और दूसरी चीज़ कि तो उन अनुभवों के ज़रिए, अनुभवों के आधार पर दोनों कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं। और तैयारी की जहाँ तक बात है तो गुड़गांव में मुझे हरियाणवी बोलनी पड़ी, जो पीपली में बुंदेली बोली थी, तो फिर वो एक चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि वो एकदम फ़र्क भाषा है जिन भाषाओं से हम परिचित रहे हैं, तो उस पर काफ़ी मेहनत। आप किसी भी चैलेंज को बहुत अच्छे से ईजली से आप टेकअप करते हैं, जिस तरह से आपने पीपली लाइव में धनिया हो, तो धनिया के बिल्कुल जो किरदार था, एकदम किरदार में आप बहुत अंदर तक जाते हैं, तो ये जो कर्मा देवी वाला किरदार है आपको, बुंदेलखंडी था और इसमें हरियाणा भी है, तो किस में आपको क्या अंतराल है? देखिए, आप जो कह रहे हैं ना वो काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पूरी टीम पर, डायरेक्टर के सपोर्ट डायरेक्शन पर और काम के माहौल पर, और जब वो माहौल मिलता है तो आप अपने आप ब्लॉसम करते चले जाते हैं। और इस फिल्म में भी जैसे लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी काम किया है योगी सिंह का, वो हमारी फिल्म में एक्टर भी हैं, जिन्होंने एक एक शब्द, एक एक साउंड के न्यूएंस पे हमें पकड़ कर रखा। तो जब आपको वो माहौल मिलता है और जब वो डायरेक्शन मिलता है, हम मुझे क्या किसी को भी और किसी भी काम में, ना सिर्फ एक्टिंग में, परिवार में, काम की जगह पे, तो फिर आप ब्लॉसम करने का आपको मौका मिलता है। पंकज त्रिपाठी जो कि एक टीवी और फिल्म जगत में एक ऐसे चेहरे हैं कि जो कि अपने अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा था। वो इतने मंझे हुए और सधे हुए एक्टर हैं, तो जब आप उनके साथ सीन में खड़े होते हैं तो अपने आप एक एंकरिंग बन जाती है। और उसके अलावा वो बहुत ही सहज इंसान है,
तो काम के दौरान, चूंकि एक्टिंग एक ऐसा काम है कि जहाँ आपका इंटरपर्सनल इंटरेक्शन भी बहुत होता है, तो वो काम में भी बहुत मदद करता है, उनकी जो वो सहजता है। तो बहुत हम बहुत एक्साइटेड भी हुए थे कि उनके जैसे एक्टर के साथ काम करना, और साथ में बहुत आश्वस्त भी हुए थे कि उनके जैसे एक्टर के साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं। दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने के लिए आपकी मूवी गुड़गांव, क्या ऐसा कुछ खास है जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाएगी? क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो मुझे लगता है कि ये एक परिवार की कहानी है। परिवार एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब कनेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये थ्रिलर है, और थ्रिलर एक ऐसा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है जिसको ज़्यादातर ऑडियंस बहुत पसंद करती है। तो मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों की वजह से ऑडियंस को आना चाहिए, और फिल्म जैसी बनी है और बनाई गई है, ये बिग थिएटर एक्सपीरियंस है। कि इसका जो लुक है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, और जिस तरीके से कैरेक्टर्स प्ले आउट करते हैं, जो रिलेशनशिप्स प्ले आउट करते हैं, वो बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। तो इसलिए मुझे मैंने रिक्वेस्ट है कि इस सिनेमा को थिएटर हॉल में देखा जाए। शालिनी जी, महिला हैं आप, एक महिला शक्ति के लिए जिस तरह से भारत देश को पुरुष प्रधान देश माना जाता है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक मैसेज की बात है, मतलब मेरे पास कोई वैसा मैसेज नहीं है कि जो मैं दूँ, पर मुझे अपने लिए लगता है कि अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव करना, और अपने एबिलिटीज़ पे बिलीव कर दूसरों की एबिलिटीज़ पे भी साथ साथ बिलीव करना, वो इम्पोर्टेंट है।